धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार का, जिसने सीआरएफ के अंडर 14 करोड़ की एक सड़क जो आरएसपी विधानसभा क्षेत्र को दी है, जिसमें बहुत पुरानी एक लंबित मांग थी, जो आरएसपुरा से चौहाला मोड़ से लेकर सिलैट लगभग 13.5 किलोमीटर की ये सड़क है, और इससे काफी लोगों को फायदा होगा। दो विधानसभा क्षेत्रों को तो फायदा ही होगा, समय भी बचेगा और एक्सीडेंट प्रोन एरिया था, बड़ी छोटी सड़क थी और रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और इसके अलावा जितने भी ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ, तो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, इसमें सरकार ने माना है कि जल्द ही वो जो रोड हैं वो टेकअप की जाएंगी और इस साल सारे के सारे जितने भी रोड हैं उन पे काम जल्द शुरू होने की संभावना पूरी है। और आश्वासन दिया गया है कोई भी रोड ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर ब्लैक टॉपिंग नहीं होगी। और इसके अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ आरएसपुरा की जनता की ओर से, और खासकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, जो 10 MVA का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर मेरठ साहब में दिया गया है और 6.3 का ट्रांसफार्मर सुंदरपुर के लिए दिया गया। ये आरएसपुरा के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी जिसे कोई भी सरकारों ने पूरा नहीं किया था, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार का, जिन्होंने स्पेशली आरएसपुरा का ध्यान रखा और लगभग 12-13 करोड़ रुपए अभी तक आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र में पावर सेक्टर में लग चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसफार्मर, लगभग 40-50 के आसपास ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनका अपग्रेडेशन किया गया है, और इतने ही नए स्टेशन जो हैं ट्रांसफार्मर्स के वो आरएसपुरा में बनाए गए हैं। इसके अलावा आरएसपुरा म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जो आरएपी डीआरपी का काम चल रहा है, लगभग 35 ट्रांसफार्मर जो नए लगाने थे उनका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, और गर्मी आने से पहले जब ये मई का महीना होगा मुझे लगता है कि वो सारे के सारे काम करने शुरू कर दें, जिसमें 20 ट्रांसफार्मर जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जो 15 ट्रांसफार्मर हैं वो पूरी तरह काम करना शुरू कर देंगे। और इसके अलावा हमारी बहनों की बहुत चिंता थी कि कॉलेज जब जाती थी तो उनके लिए बसों में जगह नहीं होती, कई बार देखा था खड़े रहती थी और कई बार कॉलेज से लेट हो जाती, बड़ी समय से हम लोग देख रहे थे कि कोई भी स्पेशल बस जो है वो लड़कियों के लिए नहीं थी। तो सरकार ने ये माना है कि जो हमारी बहनें जम्मू तक, हमारी बेटियां जो जम्मू तक पढ़ने जाती हैं, उनके लिए एसआरटीसी ने 2 स्पेशल बसेस जो है वो फीमेल्स के लिए देने का भरोसा दिया है। बहुत जल्द अगले महीने तक ये बस सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी, और जो नया फ्लीट इनका आएगा, एसआरटीसी का जब नया फ्लीट आएगा, 2 नई बसें ये उसको रिप्लेस करके ये 2 नई बसें दे देंगे। और इसके अलावा जो हमारे प्रेस के भाई थे, मीडिया के भाई थे, उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी कि आरएसपुरा में कोई अच्छा सा प्रेस क्लब खुले, तो इसके लिए मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ये भी हमारी भी ये मांग थी, क्योंकि जो मीडिया होता है एक बहुत अहम, मैं तो कहूँगा डिपार्टमेंट ही कहूँगा, अहम डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जब तक जनता की आवाज़ सरकार तक ना पहुँचे, और ये पहुँचाने के लिए मीडिया एक बहुत अहम साधन होता है, तो यहाँ पर हमारे मीडिया के भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं था, तो स्थान का चयनित जो है इन लोगों ने किया है। और मैं अपने सीडी फंड से एक काम शुरू करवा कर, जो बाकी काम बचेगा उसको हम लोग म्यूनसिपल कमेटी के फंड से करवा कर ये प्रेस क्लब जो है बहुत जल्द यहाँ पर स्थापित करेंगे। शुरुआत जो होगी ये मेरे सीडी फंड से होगी, और इसके बाद जो भी काम यहाँ पर होगा, जैसा भी ये डिमांड आएगी प्रेस क्लब के सदस्यों के द्वारा, जो चयनित कमेटी के द्वारा जो भी डिमांड आएगी इनको पूरा किया जाएगा, और एक अच्छा सा प्रेस क्लब जो है इनको दिया जाएगा। बस स्टैंड जो आरएसपुरा का सबसे पुराना बस स्टैंड है, इसको रिनोवेशन की मैंने डिमांड रखी थी, ये डिमांड भी सरकार ने मान ली है और बहुत जल्द इसकी डीपीआर बनकर जाएगी, और सरकार जो है शायद इसी वित्तीय वर्ष में इसको भी पूरा कर देगी, क्योंकि इसके अलावा आपने देखा होगा कि बस स्टैंड में दुकानों का काम और भी कई करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है आरएसपुरा में ऑलरेडी चल रहे हैं। और आरएसपुरा के लिए ब्लड बैंक की डीपीआर जो जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में आई थी गठबंधन सरकार, तो हमने बनवाई थी, और इस साल उन्होंने 75 लाख रुपए के आसपास ब्लड बैंक आरएसपुरा के लिए वो दे दिए हैं, और बहुत जल्द वो एनएचएम में या पीएमडीपी में वो पैसे आ जाएंगे और यहाँ पर ब्लड बैंक का काम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नई बिल्डिंग जो बन रही है इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा था, तो इसमें भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत जी और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी के सहयोग से हम लोगों ने वो राशि लाकर ये काम पूरा करवा लिया, और लगभग 1 मई से पहले पहले ये हम लोग अस्पताल जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट करके यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हम लोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में काफी लोग घायल होते थे और कईयों की जान चली जाती थी, कारण इसलिए कि हमारे पास कोई बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस नहीं थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कल बोर्ड की मीटिंग में मांग रखी थी कि एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस आरएसपुरा को दी जाए, तो इस मांग को प्राथमिकता से ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब जो मीटिंग चेयर कर रहे थे उन्होंने रखा और बड़े ध्यान से सुना और कहा
कि सबसे पहले जो आरएसपुरा का क्षेत्र है इसको बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस दी जाएगी, और सरकार ने इसको मांगा और जल्द ही इसकी राशि जो है वो हमें बीएडीपी के अंदर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा, इसके लिए 25 लाख रुपए के फंड जो है वो रखे गए हैं इस साल, और मैंने एक मांग रखी थी कि मीरा साहब जो है वो टाउन बन गया है, इसको भी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर लाया जाए, वो भी सरकार ने इसको ध्यान में रखा है और इस पर फाइनेंशियल अप्रूवल चल रही है उनकी। जैसे ही उनको वो अप्रूवल मिल जाती है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द सरकार जो है वहां पर म्युनिसिपल कमेटी स्थापित करने जा रही है। एक और पुरानी मांग थी कि मीरा साहब में तहसील नहीं बनी है, तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो पहले जितने भी विधायक यहां पर रहे उन्होंने जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र को कोई भी तहसील नहीं मिली। बॉर्डर तहसील में सुचेतगढ़ मिल गई, अरनिया मिल गया बिश्नाह को, लेकिन आरएसपुरा को कोई भी तहसील नहीं मिली थी। तो मैंने इस बार मीरा साहब के लिए तहसील स्टेटस रखा है, तो गवर्नमेंट जब भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएगी तो मीरा साहब सबसे पहले उनका नाम होगा जिसमें तहसील स्टेटस उनको मिलेगा। इसके अलावा हमने बीएडीपी में कुछ गांव कुछ पंचायतें जोड़ने के लिए उनको कहा था, वो मांग भी सरकार ने हमारी मांग ली हुई है, और कुछ अतिरिक्त गांव जो है